वेलकम टू बज़ वीक्स वेरी फर्स्ट वीकली एपिसोड, जहां आज हम इस पूरे वीक में आई मार्वल और डीसी से रिलेटेड कंटेंट्स और न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और अपना ओपिनियन भी देने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हमारा सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब देखो, चैनल नया है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो उठाने ही पड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे डीसी स्टूडियोज के लिए डेविड ज़ास्लव एफर्ट्स उठा रहे हैं। मार्वल की तरह वो भी डीसी स्टूडियोज के लिए एक केविन फाइगी ढूंढ रहे हैं। उसमें इस टाइम सबसे पहला नाम डैन लिन का चल रहा है। ये भी एलन हॉर्न का सजेशन है, जिन्होंने डिज्नी में रहते हुए केविन फाइगी का नाम सजेस्ट किया था। वैसे इनको लेकर अभी लोग कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इस साल के एंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट में क्या बवाल मचता है। वहीं बैड गर्ल को कैंसिल करने के बाद से वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सीईओ डेविड ज़ास्लव ने जो मैसेज दिया था, लगता है वो एज़रा मिलर के भी होश ठिकाने लगा चुका है। इस वीक खबर आई कि एज़रा मिलर की वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई, जहां उन्होंने अपने किए कांड की माफी भी मांगी और आगे से तमीज में रहने का वादा भी किया। अब एज़रा मिलर के केस में देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बंदा बहुत 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 ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो इतना तय है कि इस मूवी के बाद से DCU के साथ साथ दी फ्लैश का मेन लीड यानी एज़रा मिलर भी बदल दिया जाएगा, जो एक लॉजिकल सेंस भी बनाता है। बदलने से याद आया, इस वीक की दूसरी सबसे बड़ी खबर है एक्वामैन और शज़ाम 2 के डेट्स की। तो देखो, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के लिए ये शायद उनका सबसे फेवरेट खेल हो गया है कि मजा नहीं आ रहा तो चलो फिल्म्स की डेट्स ही बदल देते हैं। कई लोग इसको लेकर डीसी का मजाक भी बना रहे हैं, लेकिन शज़ाम और एक्वामैन की डेट्स को आगे बढ़ाना एक लॉजिकल सेंस भी बनाता है। पहले एक बार शज़ाम 2 की बात करते हैं, तो भाई साहब, इसके डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग ने खुद इंस्टा पे लिखा कि क्योंकि फिल्म अवतार 2 के साथ क्लैश कर रही थी, तो कोई भी IMAX थिएटर उनको मिल नहीं रहा था। डिज्नी सब कुछ बुक कर चुका था, ऐसे में अच्छा ही हुआ कि पहले तो अवतार जैसी फिल्म से क्लैश नहीं करना पड़ेगा और दूसरा फिल्म को IMAX की स्क्रीन्स भी मिल जाएंगी। वहीं एक्वामैन के लिए ये सेंस इसलिए भी बनाता है क्योंकि इसकी डायरेक्टर जेम्स वॉन ने कहा था कि वो इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि शेड्यूल टाइम के हिसाब से फिल्म खत्म भी हो पाएगी या नहीं। अब देखो, लॉजिकली ये भी सेंस बनाता है क्योंकि ये एक हैवी CGI फिल्म है, जिसको खत्म करने में VFX स्टूडियोज को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। वहीं इसमें कई सारे रीशूट्स हो रहे हैं, बेन अफ्लेक का रिटर्न हो रहा है, और देखो अब क्योंकि ये दी फ्लैश के बाद रिलीज भी हो रही है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि बेन अफ्लेक अभी भी DCU के मेन बैटमैन रह सकते हैं। वैसे ये पक्का नहीं है कि वो इस रोल को दोबारा प्ले करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन एक्वामैन के केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट आधा दर्जन बार डिले हो चुकी है और अब ये जिस डेट में आ रही है उसमें और उसके पहले पार्ट में लगभग 5 साल का गैप हो जाएगा। तो ये सही है या नहीं, कमेंट में हमको बताना। वैसे जेम्स वॉन ने एक्वामैन से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी शेयर किए हैं, जो बहुत औसम है। ये देखने से ऐसा लगता है कि इस बार ये अवतार जैसा एक्सपीरियंस हमको देने वाली है और पहले से ज्यादा विजुअली स्टनिंग मूवी होने वाली है। ये पिछली बार से ज्यादा इस बार DCU से कनेक्टेड मूवी होगी, जो उसकी स्टोरी लाइन को भी आगे बढ़ाएगी। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मैट रीव्स की। तो द बैटमैन के डायरेक्टर मैट रीव्स के साथ वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने एक नई डील साइन की है, जिसमें उनको बैटमैन यूनिवर्स के साथ साथ उनकी अपनी पसंद का कोई भी प्रोजेक्ट करने की छूट दी गई है। यानी वो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अंडर DC के अलावा भी कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए भी अगर वो चाहें तो किसी दूसरे स्टूडियो के साथ मूवी भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने मैट रीव्स को सीधा बोल दिया है कि आप ही का घर है, जो बनाना है बनाओ, कोई उंगली नहीं करेगा। काश स्नाइडर के साथ भी यही हुआ होता। वैसे मैट रीव्स की दी बैटमैन 2 की स्टोरी पर काम करना शुरू किया जा चुका है, जिसके साथ साथ उसी यूनिवर्स की कई सारी मूवीज और प्रोजेक्ट्स भी इस टाइम शुरू होने वाले हैं, जिसमें रूमर्स हैं कि बैरी कीगन का जोकर का प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। यानी एक तरफ वॉकिन फिनिक्स का जोकर, एक तरफ बैरी कीगन का जोकर, और दो दो जोकर्स होने के बाद भी DCU में एक भी जोकर नहीं। जरूरत भी नहीं है, सबसे बड़ा विलन जब आपका स्टूडियो ही हो तो क्या ही कह सकते हैं। विलन से याद आया कि बैड गर्ल की डायरेक्टर्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो फिल्म से जुड़े कुछ फुटेज लेने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो पहुंचे, तो उनको मालूम पड़ा कि उनके द्वारा शूट की गई फिल्म स्क्रैप कर दी गई है। यानी उस ऑलरेडी शूट हो चुकी फिल्म का कोई सबूत अब बचा ही नहीं है, लीक भी नहीं हो सकती है।
ज़ेसलव भाई ने तो एकदम से ही आतंक मचा दिया है यार। वहीं एक और बुरी खबर ये है कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने इंडिया में HBO मैक्स के लॉन्च को होल्ड पर रख दिया है, यानी कि अभी HBO मैक्स इंडिया में तो जल्दी नहीं आने वाला। टेलीग्राम जिंदाबाद। वहीं एक बहुत बड़ा रूमर ये भी आया कि अर्ली अगस्त में हेनरी कैविल ने सुपरमैन के कुछ नए सीन्स ब्लैक एडम के लिए शूट किए हैं, जिसको फाइनल फिल्म के प्रिंट से जोड़ दिया जाएगा। ऐसा है ना, ये सब मजाक अभी सच में हजम नहीं होता। अपने हायाकी ब्रो यानी द रॉक को भी मालूम नहीं था कि सुपरमैन कौन प्ले कर रहा है। ऐसे में ऐसी खबरों पर दिल तो भरोसा करने को बहुत कहता है, लेकिन दिमाग हमेशा कहता है कि बेटा इस बार और बुरा कटेगा। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ लिखकर हमें बताना। उधर ब्लैक एडम मूवी से भी डॉक्टर फेट के कैरेक्टर का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जिसको आप यहाँ देख सकते हो। आप नीचे कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा। डीसी से उठकर अब आते हैं मार्वल की तरफ। तो इस साल मार्वल की D23 इवेंट्स में होने वाली कुछ अनाउंसमेंट्स पहले से ही लीक हो गई हैं, जिसमें मार्वल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ी खबर है फैंटास्टिक फोर के मूवी की, जहां वांडर विजन के डायरेक्टर मैट शैकमैन को ये मूवी डायरेक्ट करने को दी जा सकती है। इसके साथ ही इस इवेंट में इस मूवी की कास्ट अनाउंसमेंट, थंडरबोल्ट की कास्ट अनाउंसमेंट, वंडरमैन की सीरीज, नोवा को डेडिकेटेड एक प्रोजेक्ट, शांची 2, डेडपूल 3, आर्मर वॉर्स की भी अनाउंसमेंट होने के रूमर्स हैं, जिनको आप कंफर्म ही समझो। यानी मार्वल की कॉमिक कॉन की अपनी स्लेट बताते हुए केविन फाइगी ने जब बोला था कि द बेस्ट हैज येट टू कम, तो वो मजाक नहीं कर रहे थे। दूसरी खबर ये है कि मार्वल के मिडनाइट सन्स मूवी के लिए उसमें होने वाले सारे मेंबर्स को अनाउंस किया जाने वाला है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट, ब्लेड, घोस्ट राइडर, जेनिफर केल, वेयरवुल्फ बाय नाइट, एल्सा ब्लडस्टोन, ब्लैक नाइट, हेलस्टॉर्म एंड हैनिबल किंग जैसे कैरेक्टर्स होने वाले हैं। वहीं मार्वल के एको सीरीज की सिनेमाटोग्राफर कीरा कैली ने बताया कि इस सीरीज की शूटिंग आज खत्म हो जाएगी, यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये सीरीज रैप हो चुकी होगी। वहीं एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि MCU में डेडेविल प्ले कर रहे चार्ली कॉक्स से जब पूछा गया कि अगर MCU में डेडेविल के रोल में किसी और को कास्ट कर लिया गया होता तो आप क्या करते, इसके जवाब में उन्होंने बोला कि वो अपने बेसमेंट में जाते, अपना मास्क पहनते और इस डेडेविल को हंट करते, यानी मार कुटाई चप्पल सुताई। वैसे चार्ली कॉक्स MCU के सबसे फेवरेट डेडेविल हैं और उनको कास्ट ना करने की भूल केविन फाइगी जैसा प्रोड्यूसर कभी नहीं करेगा। वार्नर ब्रदर डिस्कवरी नोट कर लो, आगे काम आएगा। खैर तो ये थे इस वीक के बज अपडेट्स। अगर मेरे से कोई न्यूज मिस हो गई हो तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब, आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज बज पायलट साइनिंग आउट।